वेलकम डियर ऑल। आज हम सिंपल मशीन्स में फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होंगे। इस केस में चार स्ट्रिंग्स यूज किए गए हैं और चार ही मूवेबल पुलिस का यूज किया गया है। स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग का एक एंड रिजिड सीलिंग से कनेक्टेड रहेगा, जैसा कि यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और स्ट्रिंग का जो अदर एंड है वो जो बॉटम की जो पुली है उसके पेरिफेरी से पास होता हुआ नेक्स्ट हायर पुली के ब्लॉक से अटैच कर दिया जाएगा। जो लोअर मोस्ट या जो बॉटम पुली है उसके साथ लोड को हम अटैच करेंगे और जो टॉप मोस्ट पुली है, पुली 5, जो कि एक फिक्स्ड पुली होगी, उस पुली को जस्ट एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाएगा और उस पुली के ऊपर से जो स्ट्रिंग पास होगा उसके एक एंड पर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो। हम जो पुलीज हैं उनको वेटलेस कंसीडर करेंगे और पुली के सरफेस के बीच में और रोप के बीच में फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर करेंगे। अगर लोड को हम एक्स डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो पुली 1 है वो 2x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, ताकि जो पुली 2 की जो रिलेटिव पोजीशन है वो 1 के रिस्पेक्ट में अनडिस्टर्ब्ड रहे। जो पुली 2 है वो 4x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जो पुली 3 है वो 8x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जो पुली 4 है वो 16x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो स्ट्रिंग है जब हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो वो 16x डिस्टेंस से जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर किसी सिस्टम में n मूवेबल पुलीज है तो जो nth पुली है वो 2 की पावर n इंटू x डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब हम एफर्ट अप्लाई करेंगे फिफ्थ पुली के ऊपर तो हमें 2 की पावर nx डिस्टेंस से एफर्ट को मूव करवाएंगे। ठीक है, सो अगर वेलोसिटी रेशियो हम कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट विल बी इक्वल टू y एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज इक्वल टू x। सो y इज इक्वल टू 2 की पावर n इनटू x एंड x इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, सो 2 की पावर n इनटू x अपॉन x दैट इज 2 की पावर n। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। सो जब हम लोअर मोस्ट पुली को कंसीडर करेंगे सो जो W है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो टेंशन T1 है लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, टेंशन T1 राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, सो W विल बी इक्वल टू 2T1। जब हम सेकंड पुली को कंसीडर करेंगे तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और जो लेफ्ट साइड में जो टेंशन है स्ट्रिंग 2 में वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, सो T1 विल बी इक्वल टू 2T2। जब हम थर्ड पुली को कंसीडर करेंगे जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और जो थर्ड स्ट्रिंग है उसमें लेफ्ट साइड में टेंशन और राइट साइड में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, सो T2 विल बी इक्वल टू 2T3। जब हम फोर्थ पुली को जब हम कंसीडर करेंगे, फोर्थ पुली में जो स्ट्रिंग थर्ड है उसमें जो टेंशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और जो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग 4 में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, राइट साइड में स्ट्रिंग 4 में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इट मींस T3 इज इक्वल टू 2T2। सो जब जो स्ट्रिंग है फाइनली हम फिफ्थ पुली के ऊपर से पास करेंगे और एफर्ट को हम राइट साइड में स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जब फ्रिक्शन एब्सेंट है उस केस में जितना हमने एफर्ट अप्लाई किया है उतनी ही रोप में टेंशन प्रोड्यूस होगी, इट मींस T4 विल बी इक्वल टू अप्लाइड एफर्ट। सो जब हम सारी इक्वेशंस में P की वैल्यू पुट करेंगे, P4 इज इक्वल टू T4,
T3 इज इक्वल टू टी टी फोर, इट मीन्स T4 इज इक्वल टू P, तो यहाँ से P की वैल्यू रखेंगे तो T3 की वैल्यू 2P आ जाएगी। T2 इज इक्वल टू 2T3, T3 की वैल्यू 2P है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू 4P आ जाएगी। T1 इज इक्वल टू 2T2, T2 की वैल्यू 4P है तो यहाँ से T1 की वैल्यू 8P आ जाएगी। W इज इक्वल टू 2T1, तो T1 की वैल्यू 8P है तो W की वैल्यू 16P आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम रीअरेंज करेंगे लास्ट टर्म को, W इज इक्वल टू 16P, W बाई P इज इक्वल टू 16, इट मीन्स थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस टर्म को, इट मीन्स 2 की पावर 4। सो लोड अपॉन एफर्ट कम्स आउट टू बी 2 की पावर 4। अगर एन पुलिस हमने यूज की है, एन मूवेबल पुलिस किसी सिस्टम में, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2 की पावर n। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल 2 की पावर n फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एफिशियंसी ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। सो एफिशियंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इन 200। सो मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर n है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 की पावर n है, तो एफिशिएंसी इज 100% अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है और पुलीज का वेट और ब्लॉक का वेट हमने कंसिडर नहीं किया है, तो उस केस में एफिशिएंसी 100% आएगी। इस स्लाइड में भी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है वो बताया गया है। इसमें तीन मूवेबल पुली को अटैच किया गया है, मूवेबल पुली 1, 2 एंड 3। एक स्ट्रिंग मूवेबल पुली 1 से पास होकर 2 से कनेक्ट हो रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग 2 से पास होकर 3 से कनेक्ट हो रहा है, थर्ड स्ट्रिंग 3 से पास होकर और फिक्स पुली से पास होता हुआ एफर्ट अप्लाई करने के लिए बाद में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नंबर ऑफ पुलीज है, मूवेबल पुलीज, दैट इज इक्वल टू 3, तो हम वेलोसिटी रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 की पावर n, यानी कि 8 का वेलोसिटी रेशियो हम अचीव कर लेंगे। और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे सेम सिस्टम का जो यहाँ डायग्राम दिया गया है, सो जब हम एफर्ट पी अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन आएगी, टेंशन भी एक तरह की पुलिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है अपोजिट डायरेक्शन में पी अमाउंट से ही पुल होगा। ठीक है, तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हो गई है, पी लेफ्ट साइड में, पी राइट साइड में। जो फिक्स्ड पुली है ऊपर रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स है, तो यानी कि अपर डायरेक्शन में भी इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल फोर्स लगेगी जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 2P है, अपवर्ड में कितनी हो जाएगी 2P। जब हम मूवेबल पुली 3 को काउंट करेंगे, जब ये मूवेबल पुली का स्ट्रिंग खींचेगा ऊपर, ये ऊपर की तरफ मूव होगी, तो इसकी जो टेंशन है वो राइट साइड में ऊपर की तरफ लगेगी, लेफ्ट साइड में भी ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में 2P की फोर्स होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स होगी 2P की। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड पुली है उसमें 2P की फोर्स राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और लेफ्ट साइड में भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 2P 2P 4P के इक्वल हो जाएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग है उसमें कितनी फोर्स लगेगी, 4P की लगेगी। और जो सबसे लास्ट पुली है मूवेबल पुली 1, उसमें जो 4P की फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में, 4P की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में 8P की फोर्स लगेगी, जिसको बैलेंस करने के लिए 8P की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो जो कि हमारा लोड होगा, यानी कि W बाई पी हम कितना अचीव करेंगे, 8 अचीव करेंगे।